बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के तमाम शिक्षकों ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। राजधानी पटना की सड़कों से होकर गुजरते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिहार की शिक्षा में क्वालिटी एजुकेशन को लेकर शिक्षक संघ सरकार के फैसले से नाराज है। प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुना। हम लोगों का मांग है कि राज्य कर्मी का दर्जा प्रदान किया जाए, क्योंकि हम लोग 12, 13 और 15 वर्षों से कई लोग कार्यरत हैं और उन्हीं के बदौलत राज्य सरकार अब पूरे देश में अपना जो है पीठ थपथपा रही है और इसकी वाहवाही होती है, क्योंकि यहां के बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट भारत में टॉप 5 में रहता है। तो आखिर गुणवत्तापूर्ण हम शिक्षा दे रहे हैं तभी तो आपका रिजल्ट बेहतर हो रहा है। देखिए, सरकार का शिक्षकों के प्रति जो ये दमनकारी नीति है और जनता को बरगलाने का काम जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोगों का ये अभियान है। और एक प्रश्न मेरा आप सभी के सामने है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जनता सभी के सामने, क्योंकि ये सरकार बार बार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करती है, क्वालिटी एजुकेशन की बात करती है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या 18 साल तक आप राज्य कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, क्या क्वालिटी एजुकेशन नहीं था? गया में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा शहर के गांधी मैदान से मगध प्रमंडल आयुक्त के समक्ष प्रतिरोध मार्च निकाला गया। यह प्रतिरोध मार्च अध्यापक नियमावली 2023 के विरोध में प्रतिरोध दिवस के रूप में बिहार सरकार के खिलाफ निकाला गया। बता दें कि अपनी मांगों को लेकर सैकड़ों शिक्षक मार्च में शामिल रहे। आज हमारे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ राज्य इकाई के द्वारा, महासचिव महोदय के द्वारा जो आहूत चरणबद्ध आंदोलन है उसके क्रम में यह दूसरा चरण था। पहला था 1 मई को प्रतिरोध मार्च जिला स्तर पर था, दूसरा जो था आज 20 मई को प्रमंडल स्तरीय जो है। नई शिक्षक नियमावली जो आई है उसके विरोध में हम लोग आयुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं और हम लोगों ने एक एजेंडा तैयार किया है कि जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तब तक हम लोग चरणबद्ध तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन करते रहेंगे। किसी भी सूरत में सरकार को हमारी बातों को मानना होगा, इसके लिए हमें जो करना होगा, जरूरत पड़ेगी तो हम पूरे विद्यालय में तालाबंदी भी करेंगे। आज हमारे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ राज्य इकाई के द्वारा, महासचिव महोदय के द्वारा जो आहूत चरणबद्ध आंदोलन है उसके क्रम में मुंगेर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के मथुरा गांव में मुखिया प्रत्याशियों के घर ग्रामीण पहरा दे रहे हैं। 25 मई को आजिमगंज पंचायत में मुखिया पद के उपचुनाव में वोट डाले जाएंगे। कुछ दिनों पहले ही मुखिया प्रत्याशी की हत्या की गई थी। इससे पहले भी वर्तमान मुखिया की हत्या नक्सलियों ने की थी। नक्सल प्रभावित धरहरा प्रखंड अंतर्गत आजिमगंज पंचायत के मुखिया पद के लिए उपचुनाव में 25 मई को मतदान होना है। पंचायत में मारे गए नवनिर्वाचित मुखिया परमानंद टुंडू की पत्नी रेखा देवी और हत्यारोपी योगेंद्र कोड़ा के बीच सीधा मुकाबला है, लेकिन चुनाव से पूर्व नक्सल प्रभावित मथुरा गांव के ग्रामीण खौफ के साए में जी रहे। मुखिया प्रत्याशी घर की चारों ओर पारंपरिक हथियारों से लैस होकर रात में पहरा दे रहे हैं, क्योंकि बीते महीने भी नक्सलियों ने जहां किसानों की हत्या की थी, वहीं मुखिया प्रत्याशी जालेश्वर कोड़ा के भी अपराधियों ने जहर खिलाकर हत्या कर दी थी, जिसके कारण मथुरा के ग्रामीणों के जहन में एक बार फिर नक्सलियों का डर समा गया है। ग्रामीण युवा, महिला, पुरुष अपनी मुखिया प्रत्याशी की सुरक्षा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। हम लोग देखे नहीं पुलिस को कभी कभी, लेकिन रात में आते हैं, कुत्ता लोग भोंकता है, हम लोग अभी देखे नहीं, मिले नहीं जी। हम लोग केवल गांव में ही रहते हैं, बाहर नहीं जाते रोड की तरफ जी। तो क्या पुलिस आती है पहरा देने के लिए, आप सीआरपीएफ, एसटीएफ कोई भी है यहाँ पर आप लोगों की सुरक्षा के लिए? आती होगी रात में, मतलब हम लोग के गांव में नहीं आते, वो सब रोड पे रहते हो जी। कभी देखा? कभी तो एक बार देखे थे। क्या करते हैं रात में आप लोग? रात में हम लोग तीर धनुष लेकर के पहरा देते हैं। हाँ, तीन टोला मिला करके। कौन कौन टोला है? एक तो है मथुरा है जी, और एक इधर करमाडी है जी, और एक ताड़ा है जी। सारे लोग मिलजुल करके यहाँ जो हम लोग रात में पहरा देते हैं। कारण क्या भी है? कारण जो है मेरे मुखिया जो था, भोजपुर मुखिया, वो जो है ऐसे अचानक 8 बजे उसको हत्या कर दिया गया। इसके बाद जो है जलेश्वर कोड़ा, उसको भी जहर पे, इसी के लिए हम लोग
जो है रात में।